लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इसमें तमिलनाडु के 9 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इस तीसरी सूची में बीजेपी के 9 ही उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने अभी तक 276 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, हालांकि इनमें से 2 चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, लिहाजा अभी तक 274 उम्मीदवार हैं। पहली सूची में 195, दूसरी में 72 और तीसरी में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। चेन्नई दक्षिण सीट से तमिलिसाई सौंदर्य राजन, कोयम्बंटूर से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई, नीलगिरी से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगुन, कन्याकुमारी से पोन राधाकृष्णन और बेल्लोर से डॉक्टर एसी षणमुगम उम्मीदवार बनाए गए हैं। चेन्नई सेंट्रल से विनोज पी सेल्वम, कृष्णागिरी से सी नरसिम्हम, पेरम्बलूर से टीआर परिवेंधर और थोथु काकुड़ी से नेनार नागेंद्र को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। इस चुनाव में बीजेपी के तमिलनाडु में अपने नए सहयोगियों के साथ हैं। AIDMK यानी जयललिता की पार्टी ने भाजपा से पिछले साल ही गठबंधन तोड़ लिया है। अब देखना होगा कि पुराने सहयोगियों के बिना भाजपा तमिलनाडु में नई सहयोगियों के साथ बड़े भाई की भूमिका में आता है कि छोटे भी के। इस चुनाव में भाजपा पर AIDMK के न होने पर कितना फर्क पड़ता है? क्या इस बार तमिलनाडु का रण बीजेपी अपने नए सहयोगियों के साथ जीतने में कामयाब होती है कि हर लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी के मिशन दक्षिण पर DMK के सहयोगियों का ग्रहण लगेगा?